ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन समेत दो और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए 9 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की ही हिरासत की मंजूरी दी। आइए जानते हैं एनसीबी के वो 4 आरोप जिसके चलते सतीश मां शिंदे अपने मूव वकील यानी कि आर्यन खान को जमानत नहीं दिला पाए। पहला, व्हाट्सएप चैट्स और फोटोज। एनसीबी की ओर से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं जिसको लेकर हमें इनके कॉल डिटेल्स निकालने होंगे, इसलिए पूछताछ का दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा आरोप, तीनों का सिंडिकेट। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों का एक सिंडिकेट है। इनके चैट से पता चलता है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन तीनों पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थे। आरोप नंबर 3, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में जोड़े तार। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के फोन से ऐसी तस्वीरें और चैट्स मिली हैं, इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रग्स का ये रैकेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। आरोप नंबर 4, अन्य आरोपियों से क्रॉस एग्जामिनेशन। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की इसलिए रिमांड दी जाए ताकि सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। और भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। और इसी के चलते ये जो जमानत याचिका डाली थी वो खारिज कर दी गई और 7 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी एनसीबी को सौंप दी गई है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।